होली के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देते हैं खबरों को विस्तार। देश भर के साथ ग्वालियर में भी आज होली का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जगह जगह लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और टोलियां बनाकर रंग गुलाल उड़ाकर जमकर मस्ती की। होली के पावन पर्व पर पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर द्वारा अपने निवास पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय रहवासियों के साथ होली खेली और लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। देखिए होली में हम सब लोगों के जीवन में ऐसा ही गुलाल भरा रहे, मेरी ऐसी ईश्वर से कामना है। होलिका पर दहन पर सारी बुराइयां जल जाती हैं और थोड़ा बहुत मनमुटाव भी कहीं होता है तो हम एक दूसरे को गुलाल लगा करके और गले मिल करके उसको भी दूर कर देते हैं। वही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपने निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं और अपने मिलने जुलने वाले समर्थकों के साथ होली खेलकर उन्हें होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। आज होली का त्यौहार है, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी होली का त्यौहार हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। होली के मौके पर कांग्रेस विधायक मन्नालाल गोयल द्वारा भी कार्यकर्ताओं के साथ होली का पर्व मनाते हुए उन्हें रंग और गुलाल लगाया गया और होली की शुभकामनाएं दी गई। होली के पावन पर्व पर सभी शहरवासियों को, सभी कार्यकर्ताओं को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का पर्व प्रेम भाईचारे का पर्व है, सांप्रदायिक सद्भाव का पर्व है। आज के दिन दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। आज के दिन हमारे परिवार में, समाज में, क्षेत्र में कहीं मतभेद हों, उन मतभेदों की होली जला देना चाहिए। गले सके हुए हैं उनको भूल जाना चाहिए और नए साल की शुरुआत करना चाहिए। आज का ये पर्व है, ये प्रेम भाईचारे का पर्व है। आज के दिन मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी अपने मित्रों को, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन भाईचारे का दिन हो, आज का दिन प्रेम भाईचारे का के साथ साथ इस शहर के सांप्रदायिक सद्भाव का दिन हो। मैं आम जनता को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं होली के पर्व देता हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सिंह द्वारा भी अपने निवास पर होली मिलन समारोह आयोजित किया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों के साथ जमकर रंग उड़ाया। होली के शुभ अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का ये त्यौहार रंगों का त्यौहार है, उसी तरह से जिस तरह से हमारे भारत की संस्कृति रही है, सब लोग एक दूसरे को की बुराई, एक दूसरे के प्रति बैर भाव भूल के आज सब लोग मिलते हैं और इसी तरह से हम सब लोग इस त्यौहार को मनाएं। मेरी ओर से एक बार पुनः होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के मौके पर शहर में गली मोहल्लों में भी बच्चों की टोलियां निकली और लोगों ने होली का पर्व मनाते हुए जमकर मस्तियां की। ले लो गुलाल, ले लो, लगा दो सबको गुलाल। पानी नहीं मेरा, इधर इधर कैमरा कैमरा इधर नहीं, पानी नहीं।
एक मिनट का शॉट मार लूं बहुत है। बड़ा पानी ले ले इसु आड़ी को लगा दो आड़ी तुम दोनों खेल लो लो लगा लगा दे ऐसी लगा दे लाल बहुत लगा दो लगा दो लाल गाल पे लगा दे ली करो गाल पे लगा दे ली देखो बेटा इसु इधर भैया इधर इधर अरे वो बच्चे नहीं मारेंगे चलो भाई खेलो अभी खेलो ला रहा अच्छे से बोला ला खेलो तुम तो खेलो कांच मिल इंडस्ट्रियल एरिया में बुधवार रात गत्ते और प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के बाद फैक्ट्री मालिक और आसपास के लोग फायर ब्रिगेड बुलाने आधा घंटे तक फोन लगाते रहे। फोन नहीं उठा तो फैक्ट्री मालिक मनीष अग्रवाल खुद ही फायर ब्रिगेड ऑफिस पहुंचे। उनके सामने ही स्टाफ ने गाड़ियों में पानी भरा और तीन गाड़ियां रवाना कर दी। जल्दबाजी में इनमें से एक गाड़ी खाली ही भेज दी। फायर ब्रिगेड अमले की इस लापरवाही की वजह से आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम पड़ गईं तो महाराजपुरा से एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड को बुलवाया गया। मैं बगल में रहता हूँ, गोदाम के बगल से ही फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया तो दो घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई और दो फायर ब्रिगेड आई तो उसमें पानी नहीं था। टीआई साहब खुद मौजूद थे, वो ही मेहनत कर रहे थे उसमें। और जे किले आलोक परिहार जी मलगढ़ा थाने के टीआई साहब हैं, वो थे, उन्होंने खुद मेहनत की। और गाड़ी पे कोई स्टाफ नहीं, कोई भी स्टाफ नहीं गाड़ी पे, जो गाड़ी है उन पर पानी बिल्कुल खाए नहीं। वो खुद टीआई मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथ से कंधे पर रख के लेम चला रहे हैं। आई नहीं, एक घंटे दो घंटे हो गए हम फोन लगाते बोले यार यार आई नहीं। पन्नी गोदाम कहलाता है, रेशम मिल एरिया है। यहाँ पे गोदाम है जिसमें कुछ प्लास्टिक इसके गद्दे फोम के उसका एक गोदाम था, कुछ यहाँ पशु आहार का एक गोदाम था। इनमें आज सूचना मिली थी, एक घंटे से ज़्यादा समय हो गया और हमारे TI अजीरा आलोक सिंह तुरंत पहुँच गए थे और फायर ब्रिगेड्स कॉल हुई हैं, उसके बाद बुझाने की कोशिश जारी है। अभी ये जांच का विषय है, अभी तो पहली प्राथमिकता है कि ये आग बुझा दी जाए, उसी में सब लोग लगे हुए हैं। ग्वालियर के जयारोग अस्पताल में गंदगी को लेकर GR मेडिकल कॉलेज ने वाइट कंपनी पर 1,00,000 का जुर्माना किया है। साथ ही अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी तो वह दोगुना जुर्माना लगाएगी। जिससे बौखलाई कंपनी ने जब कर्मचारियों के वेतन से पैसा काटने की तैयारी की तो कर्मचारी भड़क गए। इतना ही नहीं, कंपनी ने चेतावनी दी है कि यदि HOD ने वेरीफाई नहीं किया तो भी कर्मचारी का पैसा काटा जाएगा। दरअसल हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच मंत्री, विधायक, संभाग आयुक्त सहित सभी GH की सफाई व्यवस्था से नाखुश हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो की नाराजगी के बाद GR मेडिकल कॉलेज ने हाइट्स कंपनी पर 1,00,000 का जुर्माना लगाया था। सूत्रों की माने तो कंपनी के अफसर इसकी भरपाई अब सफाई कर्मचारियों का वेतन काटकर करने का मूड बना रहे हैं। कर्मचारियों को बता भी दिया गया है कि सभी कर्मचारियों के वेतन से राशि काटी जाएगी। उधर एजेंसी के बिल का भुगतान भी नहीं हो रहा है क्योंकि अब नई प्लानिंग के तहत HOD वेरीफाई करेंगे, यदि गंदगी हुई तो उस दिन का पैसा काट दिया जाएगा। इसमें भी कंपनी ने सफाई कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि यदि मेडिकल कॉलेज ने पैसा काटा तो वो कर्मचारियों का पैसा काटेंगे।
क्योंकि सफाई की जिम्मेदारी कर्मचारियों की ही है। मैंने ज्वाइन करने के बाद से बार बार राउंड लिए हैं और औचक निरीक्षण किए हैं, सारे सरप्राइज विजिट होती है मेरी, लेकिन इसके बावजूद सफाई में इम्प्रूवमेंट तो हुआ है, पहले से सुधार हुआ है, लेकिन मैं खुद उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि जो कंपनी है उसके कर्मचारी या तो संख्या में कम होते हैं कई जगह, या वो ढंग से सफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस संबंध में भी हमने उनको नोटिस दिया है कि आपके कर्मचारी पूरे लगाएं, बायोमेट्रिक से अटेंडेंस लें उनकी, ये उनको निर्देश लिखित में दिए जा चुके हैं, और हर वार्ड में वो अपने कर्मचारियों के नाम लिखें कब से कब तक कौन सा कर्मचारी ड्यूटी पे है, कौन कौन से कर्मचारी ड्यूटी पे हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, अगर उन पर नहीं है मोबाइल तो सुपरवाइज़र कौन है, उसके मोबाइल नंबर क्या हैं। साथ ही जो टॉयलेट हैं हमारी कहीं भी अस्पताल में, तो ये हमारे MOU में शामिल है कि सफाई कंपनी के लोग उसको हर घंटे में साफ़ करेंगे और एक चार्ट मेंटेन करेंगे जिसमें कि चार्ट में वो लिखेंगे कि किसने कब साफ़ किया, कब कब साफ़ हुआ। वो चार्ट भी नहीं लगे हैं, मैंने अभी जो पिछला दौरा किया था उस समय नहीं लगे थे, उनको निर्देश दिया था कि आप लगाएं इनको तुरंत। तो जब तक कंपनी के लोगों को हम इसीलिए टाइट कर रहे हैं बार बार, मैं अभी उन पर 1,00,000 का जुर्माना कर चुका हूँ, इससे पहले 10,000 का किया था, और अगर नहीं सुधरेंगे तो मुझे जुर्माने की रकम बढ़ानी पड़ेगी। मजबूरी होगी वो हमारी, हम किसी पे कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहते, लेकिन अगर काम नहीं होगा तो मजबूरी में हमें जुर्माना लगाना ही पड़ेगा और कार्रवाई करनी ही पड़ेगी, उसमें हम किसी का रिहाज नहीं करेंगे। ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां जीवाजी यूनिवर्सिटी के दूरस्थ संस्थान के माध्यम से BA करने वाले एक छात्र ने 15 साल में UG की परीक्षा पास की, इसके बाद मार्कशीट नहीं मिली तो शिवम कॉलेज पोरसा से BA करने वाले छात्र संजू राठौर ने छात्र सहायता केंद्र में टोकन लेकर आवेदन किया। छात्र की मार्कशीट गोपनीय विभाग के कर्मचारी ने बनाई दी, लेकिन परीक्षा विभाग के टेबुलेशन चार्ट में नंबर दर्ज कराने के लिए मार्कशीट भेजी गई। यहां जब गड़बड़ी पकड़ी गई तो JU प्रशासन ने छात्र की मार्कशीट को रद्द कर दिया है। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग के नियम के मुताबिक UG की डिग्री 5 साल में करना अनिवार्य है। छात्र ने 2001 में BA पहले वर्ष व 2002 में दूसरे वर्ष की परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद छात्र ने BA फाइनल की परीक्षा के लिए वर्ष 2015 में परीक्षा फॉर्म शिवम कॉलेज पोरसा से भरा, लेकिन किसी कारण वह परीक्षा नहीं दे पाया। इसके बाद छात्र साल 2016 में BA फाइनल की परीक्षा दूरस्थ के माध्यम से दी, लेकिन छात्र की मार्कशीट कॉलेज नहीं भेजी गई, जिसके बाद छात्र ने मार्कशीट के लिए JU के छात्र सहायता केंद्र में आवेदन किया था। छात्र की मार्कशीट भी बना दी गई थी, लेकिन रिटायर्ड टीचर्स ने इस गड़बड़ी को पकड़ लिया, जिसके चलते मार्कशीट का रद्द कर दिया गया। एक प्रकरण जो है कल प्रकाश में आया, जिसमें एक छात्र BA की मार्कशीट बनवाने का है, और उसने 2001 में दूरस्थ शिक्षण संस्थान में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से प्रवेश लिया था, और 2001 में प्रथम ईयर फर्स्ट ईयर और 2002 में सेकेंड ईयर पास की थी। उसके बाद 2003 से लेकर 2015 तक उसने कोई कम्युनिकेशन विश्वविद्यालय के साथ नहीं किया, न ही उसे परीक्षा में बैठा। 2015 में उसने पुनः फॉर्म भरा और 2016 में उसकी परीक्षा दी, और उस परीक्षा में वह पास हो गया, उसके परीक्षा परिणाम भी घोषित हुआ, ऐसा उसने बताया। और उसकी मार्कशीट चूँकि प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि नियमों के अंतर्गत शायद समाप्ता नहीं होगी, इसलिए जो विश्वविद्यालय ने उसकी मार्कशीट जारी नहीं की। उसने छात्र सहायता केंद्र पर टोकन के माध्यम से अपनी मार्कशीट जारी करने के लिए आवेदन दिया, और आवेदन के आधार पर किसी भी तरीके से उसने मैनिपुलेट करके हमारे गोपनीय विभाग से अपनी मार्कशीट उसने बनवा ली, इसमें सफल हो गया। परंतु हमारे विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी व्यवस्था है कि एक जगह से अगर कोई गलती होती है दूसरी में पकड़ी जाती है, उसी तारतम्य में जो है हमारे परीक्षा विभाग द्वारा वह गलती पकड़ी गई, और कल जो है वह मार्कशीट तत्काल प्रभाव से नष्ट कर दी गई है, और उसे पूरा प्रकरण विवेचना में है, और विवेचना होने के बाद जो भी नियम और अध्यादेश होंगे उसके अनुसार तदनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। KRH में इलाज न मिलने से 1.5 साल के मासूम पीयूष की मौत के बाद प्रशासन ने हरकत में आते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। SDM सहित कंपू पुलिस बुधवार को KRH पहुंची और मासूम की जाँच के जिम्मेदार लोगों से पूछताछ भी की। यह बता दें कि सांस लेने में दिक्कत होने पर KRH में पीयूष को भर्ती कराया
और यहाँ डॉक्टर समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। शाम 4 बजे डॉक्टरों ने कहा कि पीयूष का एक्सरे कराना होगा, जिससे पता चलेगा कि उसके गले में क्या हुआ है। परिजन रेडियोलॉजी विभाग पहुँचे तो वहाँ कर्मचारी अकेला मिला, जिसने कहा कि वो अकेला है, अभी एक्सरे नहीं हो पाएगा। कर्मचारी ने पर्चे पर लिख कर भी दे दिया कि एक्सरे अभी नहीं हो पाएगा। परिजन ने 3 बार चक्कर लगाए, इसके बाद ये बात डॉक्टरों को बताई, लेकिन तब भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। देर शाम पीयूष ने दम तोड़ दिया। जीएच में लापरवाही की बात अधीक्षक अशोक मिश्रा भी स्वीकार गए। उन्होंने कहा कि रेडियोग्राफर का नाम प्रेमचंद पता चला है, जिसने लिखकर दे दिया है कि एक्सरे नहीं हो पाएगा, लापरवाही हुई है, तभी बच्चे की मौत हुई है। इस मामले में रेडियोग्राफर को सस्पेंड कर अन्य दोषियों पर कार्रवाई होगी। कल क्या है, बच्चे की घर पे तबीयत खराब हुई, हम यहाँ पे लेके आए उसे, तो ये डॉक्टर हमने 12 बजे के टाइम में लाए थे, तो यहाँ पे एडमिट किया इन्होंने। एडमिट करने के बाद इन्होंने जांच लिखी ब्लड की, मैं ब्लड की जांच दे के आया, फिर उसके क्या गले में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उस जी गले की इन्होंने एक्सरे लिखा, तो एक्सरे लिखा मैं गया वहाँ पर, तो जो वहाँ पर बैठे थे एक्सरे परिचित था उनका नाम, वो कह रहे थे कि मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं अकेला हूँ एमरजेंसी। मैं लौट के यहाँ पे आया, दीक्षित मैडम थी उनके पास, और उन्होंने कहा कि आप दोबारा जाओ वहाँ पे और उनसे लिखवा के लाओ कि मैं नहीं आ सकता, किस कारण नहीं आ सकता। मैं वहाँ पे दोबारा गया, उन्होंने लिखा कि मैं एमरजेंसी रूम में अकेला हूँ इसलिए नहीं आ सकता। फिर मैडम ने यहाँ से लिखा कि वेरी अर्जेंट एक्सरा मैडम ने लिखा यहाँ से। मैं फिर गया वहाँ पर, फिर उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता और मेरी नौकरी चली गई है, इसके आप जवाबदार होंगे। बस शहर में गंदगी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की युगल पीठ में बुधवार को नगर निगम आयुक्त अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे। कोर्ट ने गत रोज आयुक्त को उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके बाद बुधवार को कोर्ट पहुंचे निगमायुक्त को शहर में उचित साफ सफाई प्रबंधन करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि अवधेश सिंह भदौरिया ने हाईकोर्ट में शहर में फैली गंदगी, डेंगू, मलेरिया को लेकर जनहित याचिका दायर की है। गत दिवस निगम अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि मच्छरों के लिए शहर में फोगिंग व दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। यह जवाब सुनने के बाद कोर्ट ने वकीलों से पूछा था कि क्या आपने शहर में फोगिंग होते हुए देखी है। वकीलों ने इनकार कर दिया था। शपथ पत्र गलत जानकारी पेश करने को लेकर हाईकोर्ट ने मंगलवार को आयुक्त को तलब किया था, लेकिन आयुक्त प्रमुख सचिव की बैठक में भोपाल थे, इस कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके, जिस पर कोर्ट के आदेश पर बुधवार को निगमायुक्त की कोर्ट में फिर से पेशी हुई। अगली सुनवाई 24 अप्रैल को की जाएगी। इसमें आज ये डेंगू और ये शहर में सफाई नहीं हो रही है, डेंगू और उसका जो स्वाइन फ्लू का जो प्रकोप शहर में बढ़ता जा रहा है, उसके संबंध में जो PIL थी तो इसमें बताया गया था हमारे द्वारा कि इतने लोग डेंगू से अभी तक मौत हो चुकी है, इतने लोगों की, और कई लोग डेंगू से और स्वाइन फ्लू से अभी भी ग्रस्त हैं, और आज भी पेपर में निकला था कि एक व्यक्ति की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई है। तो इसी संबंध में आज कल कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर को पेश होने के आदेश दिए थे, तो वो भोपाल में थे तो इस वजह से नहीं पेश हो पाए थे, तो आज हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने आज के लिए मामला लगाया था, तो उसमें आज वो संदीप माकिन हैं जो नगर निगम कमिश्नर, वो पेश हुए हैं और उन्होंने बताया है कि साहब इसमें फॉगिंग जो शहर में हो रही है हमारे द्वारा करवाई जा रही है, तो उससे वो संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए 24 अप्रैल लगाई है, उसमें ग्रुप प्रोग्रेस रिपोर्ट और पेश करके दें। उन्होंने कहा है जो शहर में गंदगी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, जो धर्म से जुड़ा मामला होने के लिए जो भंडारे और उनको छोड़ देते हैं तो उन पे भी कहा है कोर्ट ने। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान तो चला ही जा रहा है, साथ ही प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च पर भी जिला एवं पुलिस प्रशासन नजर रखे हुए है। इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के लिए होने वाली रैली, जुलूस, सभाओं और बैठकों पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे कि आचार संहिता का विधिवत पालन हो सके। पार्टियों से रोजाना का हिसाब भी लिया जा रहा है और उनकी सूचना निर्वाचन आयोग तक भेजी जा रही है। वो सब वैधानिक FST और SST बनी हुई है और जो नियम के मुताबिक है, वो कैश उससे ज़्यादा मिलेगा तो उसकी जब्ती होगी, प्रॉपर उसका परीक्षण किया जाएगा कि ये किसके लिए जा रहा है, क्या जा रहा है, प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई होगी।
जी अभी फिलहाल क्या मॉनिटरिंग की जा रही है? नहीं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं, गश्त हो रहा है, फिक्स पॉइंट लगे हुए हैं और हम लोग नज़र रखे हुए हैं, जहाँ कहीं भी शिकायत मिलेगी या चेकिंग के दौरान भी कोई ऐसी चीज़ पाई जाएगी तो उस पर अनुरूप कार्रवाई होगी। और आप हमें दीजिए इजाज़त।